हेलो गाइस, वेलकम टू कूल टेक अगेन। तो गाइस, आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जिस टॉपिक पे, उसके बारे में लास्ट कुछ दिनों में आप लोगों ने एक ना एक बार सोचा जरूर होगा, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में सोचा जरूर था। तो चलिए घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। तो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कूलविंग्स का जो ऑफर है अभी 1500 रुपये कैशबैक का, तो उसमें ऑफर में आप लोगों ने बुक तो जरूर कर लिया चश्मा, मीन्स 80 रुपये में दो चश्मे, एक सनग्लास, एक आई ग्लास, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। बट कभी ना कभी आप लोगों ने ये चीज सोची जरूर होगी कि किस तरह से कोई कंपनी इतना ज्यादा कैशबैक दे सकती है, मीन्स कूलविंग्स किस तरह से 1500 रुपये का कैशबैक दे रही है। क्योंकि सच बोलूं तो मैंने भी लास्ट एक दो साल में, तीन साल में इस तरह का ऑफर नहीं देखा जिसमें इतना बड़ा कैशबैक मिल रहा हो। तो आपने भी इसके बारे में सोचा जरूर होगा, मैंने भी सोचा था। तो आज के इस वीडियो में इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से और क्यों कूलविंग्स इतना बड़ा ऑफर दे रही है। तो बाकी आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हैं तो इस तरह के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, ऑफर्स के वीडियोस आप लोग को मिलते रहते हैं। तो चलिए ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे काम की बात पे आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि कूलविंग्स जो है वो इंडिया की कोई वेबसाइट है, इंडिया की कोई कंपनी है, तो ऐसा नहीं है। मैंने उन लोगों को मेल लिखा था, सारी चीजें उनसे पूछी थी, हालांकि बहुत ज्यादा उन्होंने डिटेल में किसी चीज को नहीं बताया, बट उन लोगों ने बताया कि कूलविंग्स जो है वो फ्रेंड्स की एक एस्किलर कंपनी है, और शायद मैं प्रोनंसिएशन गलत ले रहा हूँ, नाम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो उन्होंने इसका जो कंपनी है उसका ही यहाँ पे इंडिया में वेबसाइट लॉन्च की है कूलविंग्स नाम से। तो उनका जो है काफी ज्यादा जो यूएस में और चाइना में काफी ज्यादा उनका सेलिंग है इस चीज की, तो वो उन्होंने इंडिया में भी इसका लॉन्च कर दिया है। तो इसके लिए आप दो तीन चीजों को कह सकते हैं। नंबर एक कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है किसी भी कंपनी के लिए, खासकर ऑनलाइन कंपनीज के लिए। तो अगर आप यहाँ पे किसी चीज को एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो मीन्स आपका बहुत ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। तो इसको लेके आप ये समझ लीजिए कि अभी अगर आप लेंस के चश्मों की बात करें, अगर सनग्लासेस की बात ना करें, आप आई ग्लासेस की बात करें, तो इंडिया में ओनली लेंस कार्ट ही ऐसा वेबसाइट है या ऐप है जिससे आप जाके बुक कर सकते हैं, और उतना ज्यादा फेमस कोई नहीं है। तो मींस अभी कंपटीशन बहुत कम है। तो आप कहेंगे कि यार तब भी इतना ज्यादा कैशबैक कैसे कोई दे सकता है? तो इसके लिए आप दो तीन चीजें रीजन हो सकती हैं इसके लिए। नंबर एक कि देखिए, अगर सपोज आपके पास कोई दो बिजनेस है, आप सोचिए एक बिजनेस से अगर आप काफी पैसा कमा रहे हैं, आपने सोचा चलिए नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं या उसकी फ्रेंचाइजी नई जगह खोलते हैं, तो उसमें आप एक जगह से जो पैसा कमा रहे हैं उसको उठा के आप दूसरी जगह इजीली लगा सकते हैं कि चलो ठीक है, स्टार्टिंग में लॉस भी होता है तो इस तरफ से तो मैं कमा रहा हूँ, इस तरफ लगा दूंगा, बाद में हो सकता है ये वाला भी चीज चल जाएगी तो फिर दोनों जगह से कमाऊंगा, स्टार्टिंग में इधर से कमा के इधर लगा देते हैं। तो वही चीज जो एस्किलर ग्रुप है वो वहां से पैसा जहां से भी कमा रही है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है स्टार्टिंग में। अब इसके लिए एक रीजन ये भी है कि अगर आप एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो आप उसके दो तीन तरीके होते हैं, या तो आप उसको टीवी पर एडवर्टीजमेंट कर दीजिए, या उसको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कर दीजिए, या फिर आप उसको यूट्यूब पर एडवर्टीजमेंट कर दीजिए। तो अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो उसमें उतना ज्यादा फेमस वो नहीं हो पाता है, क्योंकि आप चश्मा मोबाइल ये सब में निकाल देते हैं तो उतना ज्यादा यूथ यंग लोग उतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि उसको बुक कर ही लें। उसके बाद अगर आप टीवी में एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, मीन्स अगर आप मेनली प्राइम टाइम की, जैसे रात के टाइम की बात करते हैं, अगर आप एडवर्टीजमेंट कराना चाहते हैं तो 10 सेकंड के लाखों रुपए में चार्जेस होते हैं, और अगर आप उसको संडे या फिर किसी क्रिकेट मैच के बीच में कराना चाहते हैं तब तो बहुत ज्यादा चार्जेस होते हैं। तो उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि कोई प्रोडक्ट बुक ही करा ले। मीन्स अगर सपोज आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आप सोचेंगे यार काश ये प्रोडक्ट पहुंच जाए किसी के पास, तो जरूरी नहीं है कि कोई बुक ही कर ले। YouTube पे भी आप एडवर्टीजमेंट कर देंगे तब भी उसमें पैसा अच्छा खासा लग ही जाता है। तो इसका तरीका एक ये है कि क्यों ना कैशबैक के रूप में इतना ज्यादा कैशबैक दे दिया जाए कि लोग इसको परचेज कर लें, और उनके पास तक मेरा प्रोडक्ट तो कम से कम पहुंचे, तब उनको पता चलेगा कि हाँ भाई मेरी क्वालिटी अच्छी है। अब एक चीज और भी आ जाती है, आप इसको दूसरे वे में भी देखिए कि 1500 रुपये कैशबैक को हाइप किस तरह से बनाया गया है। अब आप ये समझिए कि लास्ट मंथ तक ये कैशबैक था 500 रुपये, तो आप चाहते तो 500 रुपये में भी काफी सारी चीजें बुक कर सकते थे। मीन्स काफी फेमस वो भी ऑफर हुआ था, बट जितना अभी ऑफर फेमस हो रहा है उतना ज्यादा ऑफर वो फेमस नहीं हो पाया था। तो 1500 रुपये में आप एक चीज ध्यान देके सुनिएगा, इसके गणित को समझने की कोशिश भी कीजिएगा कि सपोज अभी 1580 रुपये की आप लोग पेमेंट करते हैं, जिसमें एक आई ग्लास और एक सन ग्लास आपका बुक हो जाता है, तो आपको 1500 रुपये कैशबैक मिल जाता है, मीन्स 80 रुपये उनको पेमेंट चली जाती है। अब आप सोचिए कि इस 1500 रुपये को हम लोग ऑफर एक्सटेंड करके 3000 रुपये कर देते हैं कि भाई आपका मिनिमम ऑर्डर 3000 होगा तो आपको 3000 रुपये कैशबैक मिल जाएगा। तो आप ये सोचिए कि अब जो फाइनल पेमेंट हुई एक आई ग्लास और एक सन ग्लास की 3080 की हुई, इस बार 3000 रुपये आपको कैशबैक मिल गया और 80 रुपये उनके पास चला गया। मीन्स 80 रुपये उनके पास अभी भी जा रहा है, पहले भी 80 रुपये जा रहा था, अब भी 80 रुपये ही जा रहा है, बट पहले 1500 रुपये कैशबैक था, अब 3000 रुपये कैशबैक आ रहा है। तो अब
पहले से ज्यादा हाइप बनेगी कि यार 3,000 रुपए कैशबैक कोई कंपनी कैसे दे सकती है। तो तीन अभी 1,500 रुपए दिया जा रहा है। अब आप एक चीज और समझिएगा इस दूसरे एक गणित को भी कि इनका जो भी ब्रांड ये लोग अपना सनग्लास या आई ग्लास का बेचते हैं ये कोई इस तरह का ब्रांड नहीं है जो आपको हर किसी वेबसाइट पे मिल जाए, ये इंटरनेट इनका ही ब्रांड है। मैंने सर्च करने की कोशिश की तो मुझे नहीं मिला, तो इसकी बहुत ज्यादा लागत इसमें नहीं आती है। और इसमें एक चीज और आप समझिए कि अभी कुछ दिन पहले तक एक सनग्लास ये लोग बेचते थे फेव का, FAVE फेव। तो फेव का जो सनग्लास था वो मैंने देखा था वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी था। ये मीन्स इनका खुद का कॉन्टेक्ट में शायद इनको पैसा से ज्यादा लागत लगा के इनको मंगाना पड़ता होगा या परचेस करना पड़ता होगा। तो उन्होंने कुछ दिन में ही उस फेव के सनग्लास को बंद कर दिया। हालांकि मैंने एक परचेस कर दिया था, फिर भी मुझे 90 रुपए में वो पड़ा था। और उसके बाद जब मैंने उसको अमेजोन और फ्लिपकार्ट चेक किया तो वो 500, 600, 700 रुपए का ओरिजिनल प्राइस था उसका। तो उसको इन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद ये JRS प्रो, ला एक्सप्रेस ये वाले ब्रांड अभी बेच रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। तो इसका मैंने जो काफी ज्यादा नाम मैंने नहीं सुना है, मैंने इन्हीं पे ही सुना था और मैंने सर्च भी किया तो किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे ये मुझे मिला भी नहीं। तो इसमें बहुत ज्यादा लागत नहीं आती है। और जब मेन बात अगर बात होती है जब आप पूरे ग्लोबली इस चीज को बेच रहे हैं तब तो आप समझ लीजिए कि बहुत कम लागत में, क्योंकि सारा चीज आप इतनी बड़ी कंपनी है तो आपको बहुत कम दाम पे वर्ल्ड वाइड अगर आप पूरा इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो आपको बहुत कम दाम में सारी चीजें पड़ेंगी। तो अगर सपोज आप एक सनग्लास और एक आई ग्लास 200-300 रुपए लागत में भी 1% तक पहुंचा दे रहे हैं तो फिर मीन्स आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। उतने में तो आप टीवी में एडवर्टीजमेंट कर भी नहीं पाएंगे। अगर ओवरऑल आप देखते हैं तो करोड़ों रुपए आपके लग जाएंगे टीवी में एडवर्टीजमेंट करने में। तो उतने पैसे में आप लोगों तक अपना पहुंचा देंगे चीजों को तो वो ज्यादा अच्छे से लोगों समझ पाएंगे। इसके लिए एक चीज और भी आप समझ लीजिए कि जब स्टार्टिंग में कोई कंपनी आती है तो स्टार्टिंग में अपनी जेब से ही पैसा देना पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। इसके उदाहरण के तौर पे आप पेटीएम को ले लीजिए। जब पेटीएम स्टार्टिंग में आया था तब से ही मैं पेटीएम को यूज कर रहा हूँ। फ्रीचार्ज को भी मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही यूज कर रहा हूँ। तो पेटीएम स्टार्टिंग में जब आया था तो 50 में 50, 100 में 100, 150 में 150 इस तरह के कैशबैक देता था। इवन फ्रीचार्ज भी जो है वो 10 में 20 रुपए का कैशबैक, 25 रुपए में 50 रुपए तक का कैशबैक देता था, मीन्स डबल कैशबैक भी देता था। और इसी का फायदा उसको मिला कि बहुत कम समय में कुछ 3-4 लोगों के स्टार्टअप ने, जितना मैं जानता हूँ स्टार्टअप से बनाई गई थी ये फ्रीचार्ज कंपनी, स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी जेब से कुछ चीजें लगा दी होंगी, पैसा इन्वेस्ट किया होगा, बट धीरे धीरे उनका इतना अच्छा सक्सेसफुल हुआ कि एक्सिस बैंक ने उसको लगभग 385 करोड़ रुपीज में एक्वायर कर लिया था। तो स्टार्टिंग में आप पैसा लगाइए, सिंपल सा फंडा है, उसको फेमस कर दीजिए ग्लोबली। उसके बाद वो अगर जब चल जाता है तो अगर आप उसको अपने पास तक भी रखते हैं तब भी आप अच्छा खासा पैसा उससे कमा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो उसको सेल कर दीजिए किसी और को तो भी आप उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और बात करते हैं अगर आई ग्लास और सनग्लास की, जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप कपड़ों की वेबसाइट ढूंढते हैं तो बहुत सारी वेबसाइटें मिल जाएंगी, बट आई ग्लास की आपको सिर्फ लेंस कार्ड मिलेगी, उसके अलावा कोई नहीं मिलेगी। तो अभी कंपटीशन ही बहुत कम है, इसलिए ये सारी चीजें की जा रही है। स्टार्टिंग में उनकी जेब से जरूर पैसा जा रहा है, मीन्स शॉर्ट टाइम लॉस जरूर हो रहा है, बट लॉन्ग टाइम में उनको पैसा ही पैसा और मीन्स फायदा ही फायदा मिल जाएगा। इसके साथ ही आप इसको किसी अदर चीज से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर पेटीएम भी 100% कैशबैक दे रहा है तो भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अलीबाबा है उससे उसको फंडिंग हो रही है कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को ग्रो करिए और किसी अदर सारी वेबसाइट को आप पीछे कर दीजिए। तो फंडिंग के जरिए ही कोशिश की जाती है कि आप अदर मार्केट के जो भी लोग हैं उनको पीछे करके आप आगे आ जाइए। उसके बाद जब आप ही बचेंगे तो आप ही सेल कर पाएंगे, फिर जो भी प्राइस होगा वो आपको लोग पे करेंगे ही करेंगे। तो इस तरह की चीजों को आप देख सकते हैं। तो बस कोशिश की मैंने किसी तरह से आप लोग को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूं, शायद आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब भी अगर आपको कुछ अपनी राय हो, कुछ अपनी चीजों से आप बताना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल पे हैं तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलती रहती हैं। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, नाइस डे।